फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड वोकैबुलरी जो हम सभी फेस करते हैं। इसमें जो हमारा पहला वर्ड है डेट इज टीथिंग प्रॉब्लम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टीथिंग प्रॉब्लम बच्चों को होती है, राइट, जो स्टार्टिंग में होती है। वेन एवर यू स्टार्ट लर्निंग अ न्यू प्रोजेक्ट यू फेस टीथिंग प्रॉब्लम्स। ए पर्सन हु स्टार्ट्स हिज करियर फेसेस मैनी टीथिंग प्रॉब्लम्स, राइट। ये पहला वर्ड था इसमें। सेकेंड, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिच, ग्लिच या फिर ट्रिवियल प्रॉब्लम्स। जैसे मैं कहता हूं एवरी वन फेसेस हिच इन हिज लाइफ और हिच इज इन हिज लाइफ, एवरी डे यू फेस मैनी ग्लिचेस, एवरी डे यू फेस मैनी ट्रिवियल प्रॉब्लम्स, every project presents trivial problems, every project presents many glitches or many hitches. तो small problem के लिए hitch, glitch या फिर trivial problems, right? आगे बढ़ते हैं। बड़ी problems के लिए हम use करते हैं जिनको solve करना बहुत difficult होता है या solve नहीं हो पाती हैं, right? That is called insurmountable problems. बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स या फिर ग्रूलिंग प्रॉब्लम्स। दिस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटिंग राइट टैलेंट। एवरी इकोनॉमी फेसेस इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, राइट। और जब हम जैसे हिंदी में बात करते हैं बाधा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बहुत सारे वर्ड है। जैसे कोई चीज ग्रोथ में बाधा बन रही है, कोई चीज काम करने में बाधा बन रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रैक्शंस, स्टम्बलिंग ब्लॉक या फिर इम्पेडिमेंट। लाइक आई से द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू करियर ग्रोथ इज लैक ऑफ हार्डवर्क, और द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रैक्शन टू करियर ग्रोथ इज लैक ऑफ हार्डवर्क, द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक टू करियर ग्रोथ इज लैक ऑफ हार्डवर्क, राइट। तो मैंने कहा कोई चीज बाधा है, किसी चीज की वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रेक्शन, इम्पेडिमेंट या फिर स्टम्बलिंग ब्लॉक, राइट। फ्रेंड्स, जस्ट टू रिमाइंड यू, आपने किसी भी वोकैब के वीडियो को, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हैं चाहे किसी और ट्रेनर का वीडियो देख रहे हैं, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखना है जब तक आपको वर्ड्स मेमोराइज नहीं हो जाते, जब तक आप वो वर्ड्स प्रैक्टिकली यूज करना शुरू नहीं कर देते हैं। एंड सेकंड थिंग फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी ना होने की वजह से आपकी करियर की ग्रोथ रुक गई है या फिर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, आपको अच्छी इंडियन कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब लेनी है और इंग्लिश उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर है, सो आई वेलकम यू टू ज्वाइन आवर फ्री डेमो कोर्स। इसमें कोई आपको रिस्क नहीं है, इसकी सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप डेमो कोर्स से एक स्टेप इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं तो आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।